बच्चों, मैं हूँ गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश 01। इस चैनल पे आपको NCERT का सारा सॉल्यूशन मिलता है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर में हमको पढ़ना क्या, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर में हम लोग को स्क्वायर निकालना सीखना है, स्क्वायर रूट निकालना सीखना है और साथ ही साथ हम लोग को ये पता करना है बिना स्क्वायर निकाले हुए या स्क्वायर रूट निकाले हुए कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या आता है, क्या इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना संभव है, और संभव है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर नंबर बोलते हैं किसको। स्क्वायर नंबर, हम वैसे नंबर्स को स्क्वायर नंबर बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर हो। जैसे कि अगर हम 16 लिखते हैं तो 16 का मतलब होता है 4 × 4, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 4। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आता है तो वह नंबर स्क्वायर नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर m को हम n स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, जहां n एक नेचुरल नंबर है, तो m वह हमारा स्क्वायर नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे 25, 49, 64, ये सारा क्या कहलाएगा, ये सारा हमारा स्क्वायर नंबर कहलाएगा। लेकिन वहीं 32, 63, ये क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा, ये सारा क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालना संभव नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर देखें, तो अगर नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। तो ये सारा इसका स्क्वायर होता है। अब इसका स्क्वायर होता है तो इससे हमारा क्या काम है, इसको समझिए। अब क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये जो स्क्वायर नंबर हमको मिलता है इसका यूनिट डिजिट हमेशा 14965 और 1496 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है, यही आपके काम का चीज़ है। अगर हम 21 का स्क्वायर करें तो ये क्या होगा 441, अगर हम 29 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये क्या होगा 841, अगर हम 22 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 484, अगर हम 28 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 784, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उसके यूनिट डिजिट पे 149650 इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। और कोई नंबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पे 2, 3, ठीक है, 7, 8 होगा तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उस नंबर को हम कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है कि 1057, क्या यह स्क्वायर नंबर हो सकता है, तो हम बिना कुछ किए हुए ये बता सकते हैं कि 7 चूँकि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे नहीं आता है,
तो 7 जो होगा वो स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। 7 क्या नहीं हो सकता है? कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 1 वाले नंबर को स्क्वायर करते हैं या हम 9 वाले नंबर को स्क्वायर करते हैं जिसके यूनिट डिजिट पे 1 है या 9 है, तो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 ही आता है। यहाँ भी देखिएगा, 21 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, और 29 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया। उसी तरह से अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और 8 वाले नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। उसी तरह से अगर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 7 वाले का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 ही आएगा। 4 वाले का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 आएगा, और 6 वाले का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 6 ही आएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा 5 आएगा, और 0 वाले नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन उसमें भी समझने की चीज़ है कि अगर 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये होगा 100, अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 10,000। तो जब स्क्वायर किसी नंबर का होगा, कोई नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो हमेशा इवन होगा, मतलब पेयर में होगा। नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो पेयर में नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। अगर 1 0 0 0 तीन जीरो है, ये नंबर ऑफ जीरो क्या है? ऑड है। तो ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितना का डिफरेंस होता है। तो दो स्क्वायर नंबर हम मान लेते हैं कि दो स्क्वायर नंबर्स या दो नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा। जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 और ये क्या हो गया 4, तो इन दोनों के बीच कौन सा नंबर आएगा? 2 और 3, दो नंबर आएगा। अगर हम करें 2 का स्क्वायर और करें 3 का स्क्वायर तो ये क्या होगा 4, और ये क्या होगा 9, तो इनके बीच में कितना नंबर्स आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, कितना नंबर आएगा? 4 नंबर्स आएगा। ये हम बिना लिखे हुए कैसे निकालेंगे? तो हम मान लेते हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक नंबर n है और दूसरा नंबर n प्लस 1 है, एक नंबर n है और दूसरा नंबर n प्लस 1। तो n प्लस 1 का अगर हम स्क्वायर करें माइनस n स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 2n प्लस 1, ये क्या बचेगा? 2n प्लस 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स के बीच में जितना डिफरेंस होता है उससे एक कम। इसका इसमें अगर हम 1 और 2 वाले में अगर हम पुट कर दें, यहाँ 1 n के जगह छोटा नंबर जो है वो n है, तो n के जगह 1 पुट कर दें तो क्या होगा? 2 × 2 + 1 मतलब कितना? 2 × 1 + 1 मतलब 3। यहाँ अगर इसमें 2 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 1 मतलब क्या हुआ? 2 × 2 = 4 + 1 = 5। तो ये जो डिफरेंस आया है आपको, ये जो डिफरेंस आया है इससे एक कम जो होता है उन दोनों के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालें तो उनके बीच टोटल नंबर 2n नंबर एग्जिस्ट करता है। टोटल कितना नंबर एग्जिस्ट करता है? 2n नंबर। तो मतलब ये आपके टॉपिक में हेडिंग दिया हुआ है कि नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, तो टोटल 2n नंबर्स, जहाँ n क्या है? n क्या है? n एक स्मॉलर नंबर है, ना कि बिगर नंबर। उसी तरह से अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करें, अगर हम ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें तो क्या करें? 1 का वैल्यू क्या होगा? 1। अगर 1 + 3 करें तो इसका वैल्यू क्या होगा? 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 स्क्वायर। अगर हम 1 + 3 + 5 करें
तो इसका वैल्यू क्या होगा 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अगर हम लिखे 1 + 3 + 5 + 7 तो इसका वैल्यू क्या होगा 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। हो क्या रहा है एक्चुअली में कि हम जितना ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं उसी का स्क्वायर हमारा आंसर आता है। मतलब हम इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर्स को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो इसका जो सम होगा वो 4 स्क्वायर होगा। अगर हम 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा वो 100 होगा। इसका सम क्या होगा 100। अगर हम 50 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करें तो उसका सम 50 का स्क्वायर मतलब 2500 होगा। मतलब इन जनरल हम कह सकते हैं सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इक्वल्स टू होता है एन स्क्वायर। इक्वल्स टू क्या होता है एन स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एन ऑड नंबर्स जो होता है वो होता है एन स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आगे दिया हुआ कि उसका प्रोडक्ट निकालना है। अगर 2 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, जैसे 11 × 13 हमको करना है, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं 12 - 1, और 13 को क्या लिख सकते हैं 12 + 1। तो ये a - b × a + b, तो ये क्या हो गया a² - b² तो ये क्या हो जाएगा 144 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 143। इसी तरह से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर दिया हुआ है तो उसका सम हम लिख सकते हैं जैसे a - b और a + b के फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं। तो दिया हुआ है 44 × 46, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 45 - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 45 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 45² - 1 स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2024, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2024। तो हम इसको इन जनरल कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को a - 1 × a + 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका आंसर a² - 1 होता है। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर का सम जो होता है वो होता है a² - 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे और कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे और क्या है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप थे गुरु नितेश 01 यूट्यूब चैनल पर, मैं हूँ आपका गुरु नितेश। थैंक यू।